नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब समग्र आईडी के बिना आय और मूल निवासी के फॉर्म भरना टोटली बंद हो चुके हैं, तो इसका एक तरीका मैंने यहां पर ढूंढा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़रूर इस तरीके से आजमाइए। तो यहां पर आपको सबसे पहले एमपी डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आ जाना है, और बिना समग्र आईडी के, समग्र आईडी अगर आपके पास है तो भी आपको यहाँ पर फादर्स नेम, जो कि अगर नहीं आता है तो भी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो समग्र आईडी जैसे ही आप सर्च करेंगे किसी की पर्सनल आईडी से या मेंबर आईडी से, यहाँ पर आप देखेंगे पिता का नाम अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका फॉर्म भी, आपका जो है आय या मूल निवासी का फॉर्म यहाँ पर फिल बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आप कैसे पिता का नाम नहीं आ रहा है तो भी समग्र आईडी के थ्रू आप आय या मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को, तो सबसे पहले समग्र आईडी खोल करके चेक कर लेना है कि अगर पिता का नाम यहाँ पर आ रहा है तब तो आप नॉर्मली जैसे अप्लाई करते अभी तक आ रहे हैं वैसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आपको जैसा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वैसा करना है। तो आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। नागरिक पंजीयन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी इमेज जो है फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, और जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करके कैप्चा कोड फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। दोनों में ओटीपी आएगा, जैसे ही आप वेरीफाई क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उसे फिल करके आप यहाँ पर दोनों चीज़ को वेरीफाई कर देंगे, और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके थ्रू आपको लॉगिन पर क्लिक करके फिर से लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे वो यहाँ पर फिल करें। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करके कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं कैप्चा कोड फिल करके। तो दोस्तों सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पर बची हुई है, जैसा कि आप बिना समग्र आईडी या बिना फादर्स नेम के भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन सेवाएं दिखा रहा है, तो ऑनलाइन सेवाओं पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सामान्य प्रशासन की दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस हैं, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पर सामने आवेदन देखें या आवेदन करें पर क्लिक आपको कर देना है, जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई करना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हर चीज़ के लिए शुल्क है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर निःशुल्क लिखा है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें, तो ओके करेंगे, और आपकी जो सामान्य जानकारी है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, नाम, फादर्स नेम, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और जो आप कैटेगरी, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, और साथ ही कैप्चा कोड फिल करके आपको जानकारी को सुरक्षित कर देना है। तो दोस्तों कभी कभी ये जानकारी यहाँ पर सुरक्षित करने के बाद भी यहाँ पर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, तो उसका मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं, सामान्य जानकारी, संपर्क जानकारी और ज़रूरी जानकारी। तो यहाँ पर संपर्क जानकारी में आकर के भी आपको अपडेट करना है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वो ज़िला आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सिलेक्ट करना है, और नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है पता का, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी सत्यापित बता रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिंपली एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, और एड्रेस फिल करने के बाद तो इतनी चीज़ें जो हैं जब आप ये अप्लाई कर देंगे तो आपको सीधे कैप्चा कोड फिल करके जानकारी को सुरक्षित कर देना है, फ़ोटो भी आप अपलोड कर देंगे, और तब आपका यहाँ पे फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार के थ्रू गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो जो ओटीपी आएगा आप उस ओटीपी को फिल करके आवेदन को आगे बढ़ा देंगे। लगभग सारी जानकारी आपकी यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगी आधार के थ्रू, और फिर जो बची हुई जानकारी है वो आपको फिल कर देना है, व्यवसाय आपको फिल करना है जो कि फिल होकर के नहीं आएगा, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
फादर्स नेम मदर्स बेसिक जानकारी आपको सभी यहां पर फिल कर देना है। इसी के साथ आपको समग्र आईडी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम फिर से वही आ गया है यहां पर समग्र आईडी नंबर। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको समग्र आईडी नंबर फिल कर देना है, भले फादर्स नेम आपका नहीं है फिर भी आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास समग्र आईडी है ही नहीं और फिर भी आप आए मूल निवासी बनवाना चाहते हैं तो उसका भी मेरे पास एक तरीका है जो कि मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। आप जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख करके आप यहाँ पर उस फॉर्म को भर सकते हैं। आप आई बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी तो आपको अगर समग्र आईडी है और फादर्स नेम नहीं है तो उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी डिटेल है नीचे समग्र आईडी की आ जाएगी, लेकिन फादर्स नेम की यहाँ पर डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एमपी ऑनलाइन या सीएससी के माध्यम से जब हम लॉगिन करके आए मूल निवासी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको वार्ड जो है अपना सिलेक्ट कर लेना, जिला तहसील जो भी कार्यालय लगता है, और सेव पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ ही आप जो भी आय का फॉर्म है तो आपका सिंपली यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक घोषणा पत्र है जिसमें कि आपको अपनी आय दर्शानी रहेगी या मूल निवासी रहेगा तो वो भी सिंपली आपको सबमिट करके ओके कर देना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी फॉर्म को फिलअप करने की, और इसके थ्रू आपका जो भी 7 दिन में मूल निवासी और 3 दिन में आय प्रमाण पत्र यहाँ से फिल हो जाएगा। और अगर आप 1 दिन में तत्काल में बनाना चाहते हैं और बिना समग्र आईडी के बनाना चाहते हो तो मेरा जो दूसरा वीडियो उसे आप ज़रूर देखें जो कि सीएम हेल्पलाइन के थ्रू मैंने बनवाया हुआ है। तो चलिए उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों अभी तक के लिए धन्यवाद।